वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। इतना बढ़ा के चलान काटना, इतना बढ़ा के काट लो, हर चीज का काट लो। तो अब क्या करो, खेले हो मुझे जब सरकार आएगी। कौन सा देश है, कौन सा देश है मुसलमानों का? उत्तर प्रदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। यूपी में सियासी बिसात पिट चुकी है, सेनापति अपने काम में लगे हुए हैं तो बाकी के प्यादों ने भी अपना अपना मोर्चा संभाल लिया है। सियासी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में बंदायू की सहसवान विधानसभा इन दिनों बयानबाजी का अखाड़ा बनकर रह गई। एक से एक बयानवीर आपको यहां दिखाई पड़ेंगे और साथ में ये भी बता रहे हैं कि अगर सपा जीत गई तो क्या कुछ होने वाला है। जी हां, सपा से टिकट के दावेदार भाजपाइयों के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी ने भी खुलकर सपा को सबक सिखाने की बात कह डाली। दोनों के वीडियो अब सोशल मीडिया के गलियारों में घूम रहे हैं। वीडियो कब की है और कहां की है फिलहाल पुष्टि नहीं की जा सकती। इधर पुलिस ने वीडियो देखकर सपा से टिकट के दावेदार ब्रजेश यादव के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि सपा से सहसवान टिकट की दावेदारी कर रहे मौजूदा विधायक ओमकार सिंह के बेटे ब्रजेश यादव का वीडियो वायरल हुआ। इसमें ब्रजेश लोगों के बीच ये कहते दिख रहे हैं कि शराफत जिंदा है, लेकिन लड़कों को छूट दे दी तो भाजपाइयों को ठिकाना नहीं मिलेगा। याद रखना, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता मेरी बात को सुन रहा हो, रहने के लिए ठिकाने नहीं मिलेंगे अगर लड़कों को मैंने छूट दे दी। इस वीडियो को बीजेपी उत्तर प्रदेश ने शेयर करते हुए लिखा कि ये हैं अखिलेश के चहेते जो अभी भी धमकी दे रहे हैं। गलती इनकी नहीं है, सपा की कार्यशैली और विचारधारा ही यही है। ये नई नहीं, ये वही सपा है। ये वीडियो वायरल हुआ तो देर रात बीजेपी प्रत्याशी डीके भारद्वाज का वीडियो भी सामने आया। इसमें वो खुद को बंदायू का ही रहने वाला बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि किसी भी भाजपा कार्यकर्ता को गुंडों ने छेड़ा तो वो कानूनी तौर समेत हर तरीके से निपट लेंगे। ब्रजेश यादव के खिलाफ फिलहाल आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीके भारद्वाज का वीडियो वायरल होने की सूचना नहीं है, अगर ऐसा है तो उस पर भी मुकदमा लिखा जाएगा। कोई भी भाजपा के कार्यकर्ता को किसी भी तरह से कभी भी छेड़ने की भूल नहीं करेगा, मैं ऐसा बताता हूँ। मैं आपके बीच में रह के, सदा आपके बीच में रह के आपकी सेवा करूँगा और आपकी पूरी तरह से हर तरह की रक्षा का काम इस डीके भारद्वाज का होगा, ये आपको वचन है। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार, ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।